हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा का स्पेशल प्रोग्राम जर्नलिस्ट अड्डा, जहां पर आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज तक से हैं विकास मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज तक में डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। विकास सर, आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे यहाँ पर आए और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम, जैसा आपने बताया, विकास मिश्रा है। 25 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ और 10 साल मैंने प्रिंट में किया है और 15 साल से ऊपर हो गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। फिलहाल 9 साल से जी मैं आज तक न्यूज चैनल में हूँ और यहाँ पर शुरुआत हुई थी चैनल 7 से 2005 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसके बाद मैं फिर आज तक में आया था। मैं फिर News 24 में 3.5 साल रहा, 9 महीने महुआ न्यूज चैनल में रहा और पिछले 9 साल से मैं आज तक। बिल्कुल। तो सर, 25 सालों का एक्सपीरियंस एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है और बहुत कुछ सिखा जाता है, लेकिन मैं पहला सवाल भी इसी एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ करना चाहूंगी। वो ये है कि पत्रकारिता जब आपने स्टार्ट की थी, मतलब जब 25 सालों पहले जब इस सफर की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक का ये जो सफर है, इसमें मुश्किलें कितनी आई? मतलब क्या बड़ी आसानी से ये सफर कटता चला गया, या फिर जब हम चैनल बदलते हैं, इंडस्ट्री की एक अलग सच्चाई होती है, तो मैं चाहती हूँ आप उन चीजों के बारे में बताएं कि कैसे ये सफर आगे इतना बढ़ता चला गया और अभी आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, पत्रकारिता में जो लोग हैं, तो मैं कहता हूं पत्रकारिता की तरफ से एक शेर मैं आपको सुना दूं। पत्रकारिता सबसे बिल्कुल यही कहती है कि तुम्हें आना हो तो इन्हीं पत्थरों पर चल के आओ, तुम्हें आना हो तो इन्हीं पत्थरों पर चल के आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो वाह, ये क्या संघर्ष बात का है। रास्ता है। और कबीर पंथी अगर आएंगे तो वो यहां ज्यादा आनंद पाएंगे कि जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। न यहाँ समय अपना है, न कुछ कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है कि इससे घबराने की जरूरत है। होते हैं ना जाबाज बिल्कुल, कुछ, जो जान हथेली पे लेके हाँ चलते हैं। आए इस फील्ड में, स्वागत बिल्कुल है और बहुत आनंद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ संघर्ष बिल्कुल, ही संघर्ष है। जी यानी रोमांच से भरी हुई है हम कह सकते हैं, क्योंकि एक अलग दुनिया होती है पत्रकारिता के। सर, मैंने भी कुछ काम किया है पत्रकारिता में, एक छोटी सी जी पत्रकार हूं मैं आपके सामने, बहुत कुछ आपसे भी सीखती हूँ। फेसबुक पर जब आप पोस्ट लिखते हैं तो बहुत कुछ एक लिखने का अलग अंदाज देखने को मिलता है। सर, मेरा सवाल ये कि आज के दौर में पत्रकारिता करने वालों के मन में एक सवाल बड़ा ज्यादा आता है, वो ये कि बड़े न्यूज चैनल के जो इंस्टीट्यूट हैं, अगर उनसे पढ़ाई करेंगे तो जॉब उन्हें बड़े न्यूज चैनल्स में जल्दी मिल जाएगी, क्या ये सच्चाई है? क्या आज के दौर में पत्रकारिता करने के लिए पत्रकारिता की पढ़ाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, पत्रकारिता के लिए पहले तो पत्रकारिता का जज्बा होना चाहिए और बिल्कुल सबसे पढ़ाई पहले जरूर। भाई, आपने कोर्स किया है तो आपको रास्ते पता है। कोर्स करने का मतलब ये नहीं कि आप पत्रकार बन गए। कोर्स करने का मतलब है आपको रास्ते पता हो गए हैं कि जिन रास्तों से हमें आगे बढ़ना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में क्या चीजें होनी चाहिए, आपको आगे जाके क्या काम आएगा, तो उसका एक गाइडलाइन तो मिल जाती है कोर्स करने में। तो इस नाते मीडिया संस्थानों के लिए भी आसान रहता है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनको बुला लें। और उसके बाद में तो ये सीखने की प्रक्रिया है। मैं भी सीखता हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद मैं रोज सीखता हूँ। तो ये तो सीखने का ही है। तो कोर्स करने के बाद क्या होता है कि लग जाता है चलो ठीक है, अब सिखाने लायक हो गया, अब चीजें पकड़ लेगा, तो धीरे 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 वो आ जाता है। जिस नाते अब तो हर मीडिया इंस्टीट्यूट में तो सीधे सीधे है कि मतलब आप कोर्स अगर कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप तो वो देते ही देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा जरूर मिलता है। लेकिन हाँ सर, आपने जो सबसे पहली बात कही कि जज्बा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो फील्ड है जो सिर्फ आपके 9 घंटे नहीं मांगती, बल्कि आपकी जीवन का एक हिस्सा मांगती है, जिसमें आपको पूरे तरह से डेडिकेट होना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सर, आप खाली फेस आपने नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खाली आपको ही नहीं, आपको, आपसे जुड़े सारे लोगों को बदलना होता है। मैं आपको परसों रात का उदाहरण देता हूं। रात में बिल्कुल मैं घर पहुंचा हूं 2:45 बजे और हाँ मेरी पत्नी चिंतित नहीं थी, खाली जानना चाहती थी कि कब आएंगे बस।
परिवार भी आपका आपके साथ हो जाता है, और साथ होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि पत्रकारों को छुट्टियां भी नहीं मिल पाती, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है ना, वो 24/7 जॉब हो जाती है हमारी सर। नहीं, वो भी मिलती रहती है छुट्टी, काम भर की मिल जाती है, मेहनत करने वालों को छुट्टियां भी संस्थान। सर आप फेसबुक पर जब पोस्ट लिखते हैं तो मैं देखती हूँ उसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं, काफी मीनिंगफुल पोस्ट होती है और बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई होती है। तो सर आपकी पोस्ट पढ़कर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लिखने को सीखने को मिलता है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लिखते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब स्क्रिप्ट जब आप लिखने चलते हैं तो क्या क्या दिमाग में रहता है, और आने वाले जो लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनेंगे वो स्क्रिप्ट लिखते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखे। तो मैं पहले फेसबुक पोस्ट की बात बताता हूं कि हाँ जब भी काम धाम से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो अपने मन की बात, जो हमारे मन में आता है, जो चीजें, तो वो सब चीजें मैं लिखता रहता हूँ। आपस में जुड़ी हुई चीजें, आसपास की जो है, हमारे आसपास जो हो रहा है, कुछ मन में आया कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि फेसबुक में आप देखेंगे बहुत सारी गंदगियां वहां पड़ी हुई हैं, वो तमाम अंडरबंड चीजें वहां पर लोग लिखते रहते हैं, तो मैं, और अच्छे बिल्कुल भले लोग भी उसपे हैं, अच्छा लिखने वाले भी हैं, तो मैं सोचता हूँ भाई अच्छी बात जहां तक पहुंचे वहां पर थोड़ा फुर्सत मिलता है तो मैं भी लिखता हूँ उसमें। और साहित्य से जरा पुराना नाता है, संस्कृत साहित्य से मैंने एमए किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो कुछ साहित्य जो है अंदर से वो सरगुजी करता है, तो कुछ उस हिसाब से लिखा जाता है उसमें। दूसरी बात है कि अच्छा कैसे लिखें या कैसे लिखें, लिखना कैसे सीखें, उससे पहले जो है जरूरी हाँ है सर, आप पढ़ना सीखिए। पढ़ना कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। अखबार पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानियां पढ़ें, जो मिले वो पढ़ें खाली। जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, किसी और से कहेंगे तो पता नहीं कौन कौन सी किताबें बताएगा, सही बताएगा, मतलब मैं नहीं कहता कि वो गलत बताएंगे, लेकिन मैं खाली रिकमेंड करूंगा एक चीज, प्रेमचंद को आप पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को अगर आप पढ़ रहे हैं तो धीरे 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 आपको अपनी बात कहने का तरीका मालूम हो जाएगा और लिखने का तरीका। प्रेमचंद की खासियत यह है कि जब वो, आपने प्रेमचंद को पढ़ा ही होगा, कोई ना कोई कहानी हाँ सर, कोर्स में पढ़ी बचपन से तो होगी। हम पढ़ते आए हैं, कोर्स में बिल्कुल, भी रहती हैं प्रेमचंद जी की कहानियां। प्रेमचंद की कहानी का आप देखिए, जैसे कहानी एक पैरा दो पैरा जब आगे जाती है, तुरंत आप कहानी से कनेक्ट तो हो ही जाते हैं पहले पैरा में, दूसरे तीसरे पैरे में बिल्कुल आते सर, आते क्या होता है कि आपके सामने वो कहानी चलने लगती है, वो हामिद दिखाई देने लगता है, उसकी रोटी पकाती हुई माँ और हाथ उसके बिना चिमटा के जल रहे हैं वो दिखाई देने लगता है। बिल्कुल जीवांत हो जाता है पूरा दृश्य। बिल्कुल, मंत्र कहानी है तो मंत्र कहानी का वो भगत दिखाई देने लगता है, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं, दिखाई देते हैं भाई, अगर एक नजर देख ले तो उसका बच्चा बिल्कुल बच जाता, मन में कचोट उठती है, और जब भगत भागता है उसमें मंत्र कहानी में, तो उसके पीछे पीछे हम भागते हैं, हमारे सामने एकदम दिखाई देता है एक एक चीज। तो ये बिल्कुल, है शब्द चित्र आपने जब उपस्थित। अभी कुछ नाम लिया, आपने जब कुछ नाम लिए पात्रों के, तो मेरे दिमाग में ऐसा लगा जैसे मैंने कोई थिएटर का नाटक देखा हो, जबकि मैंने जी मैंने भी उस किताब को बिल्कुल पढ़ा है, तो आज मैं बिल्कुल, कनेक्ट कर पाई कि कितना इम्पोर्टेंट है। सर मेरा अगला सवाल था यही कि आखिर कौन सी किताबें पढ़े, लेकिन आपने उसका जवाब भी दे दिया है। नहीं खैर सर, उसको मैं फिर बताऊंगा, लेकिन मैं अब बता रहा हूं कि अच्छा आप अच्छा जब हाँ पढ़ेंगे नहीं, जब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कहां से आएगा। बिल्कुल, लिखना तब तक नहीं सीख सकते जब तक पढ़ना नहीं सीखेंगे। यानी अच्छा और पढ़ने की हैबिट डालनी होगी सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लिखना है। देखिए अच्छा लिखने का मतलब क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड होगा इसका, आप इसको निकालिए, अपनी अपनी आवाज सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, एक एक वाक्य जो है मुश्किल से 5 शब्द का, 6 शब्द का, 8 शब्द का, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो 6 शब्द का वाक्य ही नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल वो तो बिल्कुल खींचेगा, मतलब बस द्रौपदी की चीर की तरह वो बढ़ता जाएगा, पूर्ण विराम आएगा नहीं।
आसान लिखना सबसे कठिन काम है और कठिन लिखना सबसे आसान काम है। तो आसान लिखना सीखना बहुत जरूरी है और इसके लिए बस पत्रकारिता के लिए खास तौर पर आप जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। तो अध्ययन आपका बहुत जरूरी है और कुछ भी आप पढ़िए, जो आपका मन करे पढ़िए, जब इनपुट बढ़िया से होगा तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। बिल्कुल, यानी सर जो मेन मूल मंत्र जो है वो यही है कि अच्छा पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ पढ़ाई तो अंदर अंदर तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, डिक्शनरी जो हमारी डिक्शनरी है वो मजबूत होगी तब हम अच्छे वर्ड्स को फिर अपनी कॉपी पर लिख पाएंगे। सर लेकिन मैं प्रॉपर एक कोर जर्नलिज्म, जब आप खबर लिखने बैठते हैं, मैं अगर उन बातों की मतलब उस पर जाऊं, तो जब आप खबर लिखने बैठते हैं चैनल में तब आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? वैसे तो हम हमेशा खबर लिखते वक्त 5W1H पे वही बेसिस है हमारा, लेकिन एक जब पैकेज आपके दिमाग में आता है, सपोज कि आज आपको ये पैकेज रेडी करके देना है, तो उस पैकेज को मतलब वो जो स्टार्टिंग होती है, एंकर लिंक का एक अलग फॉर्मेट होता है और वॉइस ओवर का एक अलग फॉर्मेट होता है, तो वो सब वर्ड्स आपके दिमाग में कैसे क्लिक करते हैं? क्योंकि अब तो आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बड़ा आसान होता होगा सर, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कुछ आप बताएं हमें। नहीं अब देखिए, इस स्टेज में आने के बाद तो ऐसे ही होता है जैसे आप कार चला रही हो भाई। तो आप ये नहीं सोचना ब्रेक कहाँ मारे, कहाँ जो है गियर लगाएं, कहाँ एक्सीलेटर दबाएं, कहाँ स्पीड 100 के ले जाए, कहाँ वो आपका अंतर मन जो होता है वो करता है, क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है। वही मैंने कहा ना, बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपको है। आप गाना भी सुन रहे हैं तो भी गाड़ी आराम से चल रही है, तो आप इतना अनुभव हो गया चूंकि यही काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो अपने आप पता है कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन नए बच्चे नए बच्चे जब आएंगे तो स्क्रिप्ट, जैसे एक कहावत है कि पियानो आप सीखेंगे सारे गामा पासे ही, बिल्कुल एक बार सीख लिया तो चाहे जैसे बजाइए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो 5W1H का फार्मूला बिल्कुल सही है, आप उसके हिसाब से चलेंगे। टीवी जो है चलता है तीन चीज से, उसका फार्मूला है एम टीवी, एम फॉर मास, और टी फॉर टूडे एलिमेंट, और तीसरा वी फॉर विजुअल। मास मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाली चीज हो तब हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाली चीज है लेकिन उसकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। बिल्कुल, और अगर आज के समय में प्रासंगिकता है तो हम उसको करेंगे। और उसके बाद में होता है विजुअल, तो अगर विजुअल है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है टीवी में, फिर विजुअल कहेगा। कुछ बोलना नहीं है, मारपीट हो रही है, खूब धुनाई हो रही है, तो उसमें आप क्या बताएंगे, धुनाई हो रही है वो तो अपने आप धुना जा रहा है। दिक्कत होती है तब जबकि धुनाई के विजुअल नहीं आपके पास कम हो जाते हैं। तो विजुअल है तो विजुअल में इशारा आपको करना होता है। टीवी की स्क्रिप्टिंग में हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जो लिखें वो हैमर नहीं करना चाहिए आप किसी सर पे अपने आप। चीजें जो चल रही हैं कान में धीरे धीरे संगीत बजता रहे, जैसे फिल्मों में आप देखती हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उससे जो है असर पड़ता है। आपकी स्क्रिप्ट विजुअल पर बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होनी चाहिए, वो सीन पर हावी नहीं होना चाहिए। इतना सबसे पहले मैंने बताया कि सरल लिखना बहुत कठिन काम है, कठिन लिखना तो बहुत आसान काम है। इसी तरह से बैकग्राउंड स्कोर जो है जैसे होता है फिल्म का, स्क्रिप्ट आपकी वैसी होनी चाहिए कि मजा पूरा आ जाए सबको लेकिन पता भी नहीं चले कि इसमें अभी कहा क्या था, तो उस तरह से दर्शक लेगा। अच्छा, दर्शकों के पास एक बहुत खतरनाक हथियार होता है, हमारे पास भी है, वो है रिमोट। ओ बिल्कुल, आपका मजा आया नहीं तो हटा देगा, दूसरे चैनल पे चला जाएगा। बिल्कुल, तो एक प्रोड्यूसर की चुनौती ये होती है कि उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट किसने उसका वॉयस ओवर किया है, कैसे वो एडिट हो रहा है। प्रोड्यूसर जिम्मेदारी खाली लिख देना नहीं है, लिखना पहले विजुअल देखना, विजुअल के बारे में सोचना कि इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, किसकी किसकी बाइट आएगी, फिर कैसे हम वॉयस ओवर कराएंगे, कैसे जो है इसको हम प्रस्तुत करेंगे कि हमारा वो दर्शक खतरनाक हथियार ना उठा ले अपने हाथ में, वो चैनल ना बांध कर रखना है दर्शक को अपने चैनल, बांध कर रखना है, कहीं से भी हिलने नहीं दे रहा है। और तो इसी नाते टीवी की स्क्रिप्ट जब होगी तो अगर विजुअल आप देखेंगे, पहला बेस्ट विजुअल सबसे पहले, जो बेस्ट विजुअल आप सबसे पहले उसे दिखाएंगे, बिल्कुल उसको बांध के रखेंगे,
ये उस तरह से नहीं चलेगा कि आपका क्लाइमेक्स बहुत जोरदार होना चाहिए स्क्रिप्ट, ना 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 ना, आपका पहली लाइन बहुत जोरदार होनी चाहिए, बड़ा विजुअल बहुत जोरदार, जो सबसे अच्छी चीज है उसको आप क्रम से लेके चलेंगे, बाकी सूचनाएं सब नीचे आएंगी। बाकी आपका कहने का विजुअल नहीं है तो एंकर तो आपका है ही खूबसूरत, वो तो बोलेगा बोलेगी जो भी तो जिसका विजुअल नहीं है आप उससे कहवा दीजिए। सुंदर एंकर इसी नाते रखे जाते हैं कि टीवी जो मीडियम है वो देखिए आंखें जो है इंसान की वो हमेशा खूबसूरत देखना चाहती है, अच्छी चीजें देखना चाहती है। अब चाहे जितना जमरूज के भाई चलो इराक में इतने लोग मार दिए गए, फला ने गला रेत दिया, अब जैसे टीवी में तो ऐसे सीन ब्लर कर दिए जाते हैं लेकिन व्हाट्सएप पर इस तरह से आते होंगे वीडियो, क्या बताइए आप देख पाती हैं वो बीभत्स सीन कि गला रेत रहा और खून निकल रहा है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। इन आंखों को अच्छा ही देखने की आदत है, अच्छा ही देखना चाहते हैं। सर आज आपने मुझे एक सवाल का जवाब दे दिया, जो सवाल मुझसे बहुत पूछते हैं दर्शक मेरे यहाँ पर चैनल पर जो जुड़ते हैं, वो ये कि मैडम मैं थोड़ी सी हाइट में कम हूँ, मैडम मैं थोड़ी सी खूबसूरत कम हूँ, मेरा कलर थोड़ा सा डार्क है, तो क्या मैं एंकर बन सकती हूँ? आज ये जवाब मिल चुका है और अब मैं भी बता सकूंगी अपने उन व्यूवर्स को कि भाई मैंने उनको यही बताया कि टीवी पर हमें थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, क्योंकि हर कोई एक अच्छा व्यक्ति सामने बैठा देखना चाहता है, तो इस वजह से। सर अब मैं आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल पूछती हूँ कि एंकर्स जो होते हैं वो टीवी पर तो काम अपना करते ही हैं, लेकिन टीवी पर काम करने के साथ साथ में बहुत सारे एंकर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर भी होते हैं। हालांकि बात ये जो हमारे नए लोग होते हैं ना, जो फ्रेशर्स जो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ तैयार होकर टीवी पर बैठकर पढ़ दिया राजा बाबू बनके और हो गया काम, लेकिन उसके पीछे वो कितनी मेहनत करते हैं ये लोग नहीं जानते। तो मैं चाहती हूँ आप वो बताएं और ये भी बताएं कि एक एंकर का प्रोड्यूसर होना कितना जरूरी होता है, और अगर वो प्रोड्यूसर का काम नहीं जानता तो उसे कितने नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पहली बात तो यही जान लीजिए, एंकर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती टीवी में। जी, कोई एंकर नहीं होता है, एंकरिंग उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि सीओ नाम का कोई पद नहीं होता है, जो पुलिस में है वो डिप्टी एसपी होता है, डिप्टी एसपी को सीओ की जिम्मेदारी दी जाती है। इसी नाते एंकर एंकरिंग की कोई पोस्ट नहीं होती, एंकर कोई होता ही नहीं है, वो या तो रिपोर्टर होगा या तो प्रोड्यूसर होगा, वो एंकरिंग करेगा, एंकरिंग उसकी जिम्मेदारी है। तो जो प्रोड्यूसर है अगर वो एंकर बना है तो अपना शो बनाएगा, अपना वो लिखेगा पढ़ेगा सब पूरा योगदान देगा, और जो रिपोर्टर एंकर बना है तो वो अपना पूरा प्लान करेगा, कोई रिपोर्टिंग प्लान करेगा। आप देखिए हमारे यहाँ श्वेता सिंह को पिछले 6-7 महीने से तो वो बाहर है, खाली लगातार हमेशा बाहर रहती है, वो अपनी अपना स्क्रिप्ट तैयार करती है, अपनी सारी चीजें तैयार करती है। हमारे यहाँ अंजना है, तो ये सब जो है रिपोर्टर एंकर हैं कि कहीं अगर कोई बड़ी घटना हुई तुरंत डालो आप वहां पहुंचा दो। चित्रा त्रिपाठी हमारी है तो वो भी रिपोर्टर एंकर है कि कहीं अगर कुछ हुआ तो तुरंत भेज दो, बंगाल भेज दो, बिहार भेज दो, कहीं भी किसी मोर्चे पर भेज दो। और बाकी हैं तो आप कहीं मोर्चे पर भेजे, यहाँ कोई प्रोड्यूसर अगर नहीं है तो वो एंकर अपना प्रोग्राम ही प्रोड्यूस कर देंगे। तो एंकर को सब कुछ करना होता है और एंकर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है, तो इस नाते बिल्कुल सर आपने समझा दिया। और आपको मैं और भी बता दूं, एंकर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, एंकर बिना पढ़ा लिखा एंकर जब फंसता है तो बहुत बुरा फंसता है टीवी पर, उसको सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है। नहीं एंकर भाई बहुत उसपे एंकर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, रखने में भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि उसका लुक है वो सब चीजें ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी किस लेवल की है। भाई आज आप मान लीजिए बहुत अच्छा इंटरनेशनल अफेयर आप जानती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भारतीय राजनीति भी जानती हैं और आप एंकरिंग चल रही है कि भाई मोदी है ममता है ये है, खूब अपना आपने आप ज्ञान दिया, पता चला भारत जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, आपको एक ही लाइन पता चला। सर मैं सच बता रही हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं भी एक एंकर हूँ, मैंने भी कुछ रीजनल चैनल्स में काम किया है। सर जो आप बता रहे हैं ना, ये भ्रम मेरे मन में भी था और मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ, और खास तौर पर जो एग्जांपल आप दे रहे हैं इसी चीज का शिकार हो चुकी हूँ, और मैं शेयर कर चुकी हूँ हालांकि अपने दर्शकों के साथ कि कितना इम्पोर्टेंट होता है हर क्षेत्र की जानकारी रखना। जय का बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं।
तो नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अचानक आ गया कि ऑस्ट्रेलिया में भारत ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब अगर आपका क्रिकेट से नाता नहीं रहा है तो आप एक ही लाइन बताएंगे जितना जो है वो आपका जो पीसीआर से बताया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको। उस टाइम पे सर हाँ बहुत आप शेम फील होती है, बहुत ज्यादा हाँ वो बड़ा वैसा मोमेंट हो जाता है। हाँ तो इसी नाते रिसर्च की पूरी टीम रखी जाती है और एंकर्स को वो रिसर्च मुहैया कराया जाता है, सारा पढ़ते लिखते हैं। आपको मैं ये बता दूं, हमारे मित्र हैं, क्लासमेट हम लोग रहे हैं, रवीश कुमार। रवीश हाँ कुमार को सभी लोग जानते ही हो भाई, पत्रकारिता में बड़ा बिल्कुल कद है। तो सर, रवीश आज भी कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, और जो शुरू में वो बोलते हैं वो पहले पूरा लिख करके वो पहले वहां पर दे देते हैं, ताकि अगर इन केस अगर कुछ भूल पा रहे हो तो उसको पढ़ लें। वहां बिल्कुल 3 से 4 घंटे रवि रोज अपने प्रोग्राम पर मेहनत करते हैं। ऐसे तमाम सारे तभी वो रवीश एंकर कुमार है सर। जी बिल्कुल हाँ, सभी लोग बिल्कुल पढ़ते हैं हमारे बिल्कुल हमारे यहाँ पर भाई, अंजना जी का बिल्कुल है, रोहित का है, इनका शो है दंगल है, हल्ला बोल है, खूब पढ़ते हैं लोग, चित्रा त्रिपाठी खूब पढ़ती है सब, सर, बिल्कुल। यानी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप चाहे प्रोड्यूसर हो या एंकर। एंकर सर ने बताया कि एंकरिंग तो कुछ है ही नहीं, आप अगर प्रोड्यूसर अच्छे बन गए, आप अगर रिपोर्ट, आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, आप तभी काम कर पाओगे इस फील्ड में। आपको अपडेट रहना होगा हर एक चीज से। सर एक और सवाल जो बहुत उठता है कि आज के मीडिया, और जब आपने 15 साल पहले जब आपने टीवी का काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप आए, तब के मीडिया में और आज के मीडिया में क्या अंतर है सर? क्या आपको भी लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ मतलब नया नए तरह से पत्रकारिता होने लगी है इलेक्ट्रॉनिक्स में खास तौर पर? आप बैठी हैं कहां पर इस समय? कानपुर में कानपुर में आप बैठी हैं, गाजियाबाद में मैं बैठा हूं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक जी दूसरे को देख रहे हैं, और बाद में ये सब बातचीत और भी लोग देखेंगे। आप बिल्कुल देखिए मीडिया कहां से कहां तक पहुंच गई। बदलाव। हाँ कल जी हाँ बिल्कुल कल मैं जब आया था तो उसके 5 6 महीने बाद मोबाइल फोन जो है वो लॉन्च हुआ था दिल्ली में। तो उस समय पहली नौकरी मैंने 2,500 रुपए की ज्वाइन की थी, 45,000 रुपए का उस समय मोबाइल फोन आ रहा था जो सबसे सस्ता था, जी और आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल जो थी वो शायद उस समय 17 रुपए आउटगोइंग थी और 11 रुपए इनकमिंग थी, आप सोचिए। और उस समय का जब आईएएस की भी तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं थी, तो 10,000 तनख्वाह वाले तो बहुत बड़े लोग माने जाते थे, ये मैं 95 की बात बता जी रहा हूं। अब देखिए मोबाइल आपको 8,000 में बहुत अच्छा मिल जाता है, मतलब काम बहुत लायक। अच्छा बिल्कुल। 20,000 वाला तो माशाल्लाह भाई, बहुत उसके ही बाद में अच्छा। और भी लीजिए, 2 करोड़ का मोबाइल खरीद लीजिए। कॉलिंग हाँ फ्री, वीडियो कॉल करिए तो और फ्री। अब देखिए ना कि माध्यम जो है वो कितनी तेजी से माध्यम बदला है, तो बातें कहने का तो तरीका भी बदलेगा, चीजें अब तेज हो गई हैं, और तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था भी नहीं, तो मीडिया था, प्रिंट मीडिया था और कम था, तो जो चीज कम होती है उसकी थोड़ी इज्जत भी ज्यादा होती है, जब बहुतायत हो जाता है थोड़ी इज्जत। बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊं, तमाम मीडिया हाउसेस से चिट्ठियां जाती हैं प्रधानमंत्री को, कांग्रेस अध्यक्ष को, बड़े मंत्रियों को, कि भाई हम आपसे टाइम लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं। लेकिन उस समय अगर किसी पत्रकार का फोन चला जाता था कि भाई हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, तो कितना भी बिजी आदमी रहता था तो वो वक्त दे देता था। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले प्रिंट का दबदबा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीच में आया, धीरे धीरे जब चैनल बहुत ज्यादा हो गए तो इसका वर्चस्व हो गया, फील्ड में भीड़ बढ़ गई, तो तमाम नेताओं और सेलिब्रिटीज जो है इनकी कीमत भी बढ़ गई। अब पहले ये दौड़ते थे मीडिया कवरेज मिल जाए, फिर मीडिया इनके पीछे दौड़ने लगा, भाई तो हमें टाइम दे दीजिए। उसके बाद में पहले अखबार थे तो
तमाम समस्याएं, जनता की समस्याएं, सरकार की योजनाएं, खेल फिल्म ये सब चीजें होती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया अपने पूरे उभार पे, तो उसमें वो जो बहुत ऐसे चीजें आने लगी, सेलिब्रिटीज आने लगे, सिनेमा आने लगा, और क्रिकेट, और है 4C या 5C का है ध्यान नहीं आ रहा है, तो सेलिब्रिटीज है, सिनेमा है, क्रिकेट है, क्राइम है, तो ये सब चीजें ऊपर आ गई। समस्याएं कई बार जो है लोगों की समस्याओं से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा बेगाना हुआ, और अब लेकिन ये भी है पकड़ता तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, जिस मामले को तूल दे दिया, जो मामला एक बार टीवी पर आ गया फिर आ ही गया, कायदे से आ गया। अब चाहे कोई जितना इल्जाम लगाए कि मीडिया ये हो रहा है, हम लोग तमाम इल्जाम झेलते रहते हैं, बिक गई मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भाड़ मीडिया, पता नहीं क्या गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, हाँ हाँ। तो एक्चुअली है क्या कि जब से सोशल मीडिया आया है तो चैलेंज बढ़ गया है। अब हर कोई पत्रकार है, वो खुद को सही मानता है और दूसरे को गलत मानता है। अच्छा, एक एक सीधा सीधा बंटवारा ये भी हो गया है कि कौन मोदी समर्थक है, कौन मोदी समर्थक नहीं है। मोदी मतलब सरकार, exactly, सरकार तो अगर सरकार समर्थक है, उसके खिलाफ आपने कोई चीज दिखाई तो आप बिक गए, आपको कांग्रेस ने खरीद लिया। अगर सरकार विरोधी है और सरकार के पक्ष में कोई अच्छी बात आपने कह दी तो नहीं, आप गोदी मीडिया हो गए आप जो है ये। तो चुनौतियां बढ़ी हैं लगातार, और चुनौतियां भी बढ़ी हैं, मुश्किलें भी बढ़ी हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है, और कहीं क्योंकि वक्त का इतना ज्यादा वो हो गया है तो इस वजह से बदलाव जरूरी भी हो गया है। चल, बहुत बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। और ऐसा नहीं है कि पहले स्वर्णकालीन पत्रकारिता होती थी, आजकल वो गर्त वाली कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब एकदम एक क्रमिक विकास दर है, वो सही दिशा में है, कोई कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मीडिया के बारे में पत्रकारों को तो कोई, जो पत्रकारिता पढ़ने आ रहे हैं उनको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, मीडिया एकदम सही काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी अच्छा सर, एक पत्रकार, कोई भी पत्रकार हैं हम ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक इंसान हैं, और किसी भी इंसान की अपनी निजी राय होना बड़ा सामान्य है, मतलब बड़ी कॉमन सी बात है कि उसकी अपनी निजी राय है, लेकिन एक इंसान होने के साथ साथ हम एक पत्रकार हैं, हम लिखते हैं और हम बताते हैं। तो सर, जब हम खबर लिखने बैठते हैं तो हमारी निजी राय उस खबर पर थोप ना दी जाए, मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन खबर पर ना थोपे, न्यूट्रल कैसे रहे उस टाइम पर, आप कैसे मतलब करते हैं जब आप, कभी ऐसा हुआ है जब आप लिखते हैं कि आपकी राय कुछ और हो और रियलिटी में आपको कुछ और लिखना पड़ रहा हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। तो सर उसे फिर कैसे मैनेज करते हैं, मतलब किसे अब किसे दबाया जाए? मैंने किसी बिल्कुल दबाने की जरूरत नहीं, आपकी निजी राय कोई हो ही नहीं सकती। आप जहां बैठे हैं, आप अगर जलपुर बैठे हैं तो आप न्याय के सिंहासन बैठे हैं। और मैं बताऊं, मैं पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं आपको, आपको पता भी होगा, आपके ही आसपास का मामला है। औरैया का विधायक था शेखर तिवारी, और एक इंजीनियर हत्याकांड हुआ था औरैया में, और जिसमें उसको आजीवन कारावास मिली हुई है, तो अभी वो महाराजगंज जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो विधायक था, विधायक बना था, वो मेरा क्लासमेट था, और क्लासमेट ही नहीं था, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, है भी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब चीजें लोग ऐसी घटनाओं को छुपाते हैं, मैं छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मेरा बहुत अच्छा मित्र था वो, बहुत पढ़ा लिखा था, ये सब चीजें क्या हुई क्या नहीं हुई हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। मैं लखनऊ गया था उसके कुछ दिन पहले, और चार मतलब रहा दो तीन दिन उसके साथ, फोटो वोटो हमारी थी ही, उसकी भी हमने फोटो खींची थी विधायक बनने के बाद। तो जब ये कांड हुआ तो किसी के पास उसकी फोटो नहीं थी, पहली बार विधायक बना था। जब मुझे पता चला कि शेखर ऐसा ऐसी बात हो गई है, शेखर तिवारी भागा हुआ है, तो मैं ऑफिस में पहुंचा और मैंने अपने मोबाइल से निकाल के फोटोग्राफ दिया, News 24 में था उस समय, हमने कहा ये है शेखर जी। तो हमारे संपादक भरोसा नहीं, बोले तुम्हारे मोबाइल में कैसे, मोबाइल में फोटोग्राफी का भी इतना बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। हमने कहा सर दुर्भाग्य की बात है, कोई बात नहीं, अभी हम अपना कर्तव्य करने जा रहे हैं, सबसे पहले विजुअल और फोटोग्राफ जरूरी है, तो वो मेरे पास से पहले चलाइए इसको। वो मेरा दोस्त था, मैं चाहता मैं नहीं देता, लेकिन नहीं, उस समय कर्तव्य था,
उस समय काम था, बिल्कुल तो जो काम है तो आप अगर पत्रकार हैं तो वाइज्ड हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, यानी निजी राय आपकी वहां पर नहीं हो सकती, आप अपने निजी राय अपने निजी प्लेटफॉर्म्स पर रखिए, लेकिन चैनल पर आपको वही रखना है जी जो जी न्यूट्रल चीज है उसे ही रखना है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बड़ा कॉमन सवाल है जो लगभग सभी से मुझे पूछा जाता है, क्योंकि आज तक देश का नंबर वन चैनल है और आप उसमें काम करते हैं, और जो जनता है, जो हमारे व्यूवर्स है, वो ये पूछते हैं, मैडम आज तक में जॉब कैसे मिलेगी? अब उनको कैसे समझाया जाए कि आज तक में जॉब यूं ही नहीं मिल जाती, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपने उन व्यूवर्स के लिए कि आप सर बताएं कि आखिर आज तक में जॉब कैसे मिलेगी? बात ये नहीं है आज तक वो कहीं भी जॉब कैसे मिलेगी, इसकी इसकी बात होती नहीं है सर, क्योंकि लेकिन वैकेंसी। लेकिन सर लोग ये नहीं पूछते, मैं लोगों को बताती हूँ, कई जगह लगती है लोगों को, उसमें भी लोगों को आज तक बड़े चैनल कुछ चार पांच गिने चुने चैनल्स हैं और उसमें भी सबसे पहले आज तक का नाम होता है। नहीं आज तक तो नंबर वन चैनल है और हाँ वहां काम करने जी का एक अलग अनुभव है, एक संस्कृति ही अलग है काम करने की। भाई हम लोग सीनियर लेवल पर हैं लेकिन पसीना छूट जाता है इतना काम होता है, एक एक चीज पर ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नौकरी का सिस्टम कमोबेश एक ही है हर जगह। अब जैसे मान लीजिए फ्रेशर की बात है, नई की बात क्या बात है, तो जैसे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट भी हमारा है वहां के बच्चे हैं या कहीं बाहर के बच्चे आते हैं, अगर उसमें टैलेंट है तो लोगों को दिखाई देगा और हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट के लोग ही रिकमेंड कर दें, तो टेस्ट वगैरह होगा उसमें, हो सकता है बाद में कहीं आप काम कर रहे हैं अनुभव है तो उस हिसाब से आप संबंधित डिपार्टमेंट को आप भेजिए, एचआर को भेजिए, टेस्ट होगा। सीधी सी बात है, टेस्ट होने के बाद ही होगा, टेस्ट में आप बेस्ट हैं तो आज तक का दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये अच्छा एक चीज और भी है, आज तक से बहुत ज्यादा लोग इधर उधर जाते नहीं बिल्कुल, है। यानी अपने बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप के लिए और जो मिलती है बस आपको मिलेगी। सर एक और सवाल, आज के फिलहाल करंट, मतलब करंट अफेयर्स नहीं कहेंगे, फिलहाल ताजा खबरों को देखते हुए, सर क्या न्यूज चैनल्स के लिए टीआरपी सब कुछ होती है? नहीं, सब कुछ तो नहीं होता है। मतलब कुछ जिम्मेदारियां होती है ना, क्योंकि हम पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहां पर हम पत्रकारिता के साथ साथ एक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरपी पाने के चक्कर में क्या हम बहुत सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो इल्जाम लगा देना हुआ ना। भाई आप मान लीजिए आपको कोई कहते कि आप मूर्ख हैं, बहुत आसानी से जो है कह दिया उसने, अब आप जी सफाई देते फिरिए कि आप मूर्ख नहीं बिल्कुल है, आपको अपनी विद्वता की 1000 कहानी आपको बतानी जी पड़ेगी। अब टीआरपी का बिल्कुल मतलब क्या है भाई, कि भाई टीआरपी का मतलब क्या है भाई, जैसे हमारे यहाँ हेडलाइन पहले होती थी कि कोई राजनीतिक खबर हेडलाइन बनती थी या कोई बहुत बड़ा कांड हो गया तो उसको वो पहली हेडलाइन बनती थी, लेकिन कैटरीना कैफ को कोई बड़ा अवार्ड मिल गया ये हेडलाइन नहीं हुआ करती थी, भारत ने वनडे मैच जीत लिया ये हेडलाइन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये पहली हेडलाइन भी बन सकती है। बिल्कुल तो ये चीजें बदली हैं लोगों की सोच। हमने कहा ना जैसे टीवी है तो उसमें लोग अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना भी चाहते हैं, और अखबार में क्या है आपके पास 16 पेज है 20 पेज है, आपको नहीं पसंद पहला पेज आप पलट लीजिए उसको, फिल्मों वाले पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम लोग बचपन में तो अखबार का मतलब था कि पीछे से पलटते थे कि किस सिनेमा हॉल में कौन कौन सी फिल्म लगी है, और खेल पेज, उसके बाद कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं था। तो लेकिन टीवी में ऐसा नहीं है, आप एक ही स्क्रीन है, सबके रुचि का ख्याल रखना चाहिए। अब एक चीज बताइए, हम न्यूज चैनल चला रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत पॉलिटिक्स पसंद है, भाई चलिए आपको नहीं है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, उनको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन माताजी को तो इंतजार है कि सिनेमा रात में 9 बजे पसंद का, नहीं रात में 9 बजे जो उनका सीरियल आएगा उसमें आज क्या होगा। हाँ सीरियल बिल्कुल ठीक है, आपका भाई है वो तो बल्ला छोड़ने का उसका कोई मन नहीं है, वो क्रिकेट में उसका उसको तो ये जानना है कि वो 16 सदस्यीय जो टीम है
उसमें कौन कौन से हैं, कौन बाहर हुआ, कौन अंदर हुआ, सबका ख्याल रखना होगा। तो इसी नाते पिताजी के लिए हम पॉलिटिकल खबरें चलाते हैं, माताजी के लिए हम सास बहू और साजिश करते हैं, और सास बहू साजिश, सास बहू बेटियां, जो भी है इस तरह की है। तो फिर क्रिकेट का एक शो भी होता है हमारा, क्रिकेट का होता है, खेल का होता है, तो सबकी रुचि का ख्याल रखा जाता है। तो उसमें टीआरपी मसला नहीं है, हमारे पास स्क्रीन एक ही है, एक पर चार काट के हम अलग अलग लोगों की नहीं दिखा सकते। जिस समय जो इंपॉर्टेंट है, जिस समय जो महत्वपूर्ण है, वो चलेगा। यह बिल्कुल, यानी मुद्दे को देखा जाता है, परखा जाता है, और कितना वो खबर की इम्पोर्टेंस है, कितना टाइम उसे देना चाहिए, ये सब देखने और समझने के बाद दिया जाता है। सर, मैं एक बार मतलब ये जानना चाहती हूँ, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ साथ, कि सर आज तक का माहौल कैसा रहता है, कैसे टाइमिंग शुरू होती है, एंकर्स जब आते हैं तो कैसा होता है, आप जब न्यूज रूम में जाते हैं तो किस तरह से वर्किंग होती है, कैसा माहौल रहता है? नहीं, हमारा माहौल बहुत शानदार होता है, बहुत जीवंत, मतलब न्यूज रूम जो है वो बहुत जीवंत होता है। वहां आपकी उम्र चाहे जो हो, जी आपको जवान भी रहना होता है, वो मानसिक रूप से एकदम बिल्कुल आप ऊर्जा से भरे लोग होते हैं, एकदम आपको दौड़ते भागते नजर आएंगे, सब लोग काम करते नजर आएंगे, वहां कोई उबासी लेता हुआ नजर नहीं आएगा। तो सब अच्छा सर, एक चीज और, जो एंकर्स होते हैं, हाँ जी सर, जो आज तक के सारे एंकर्स, मैं किसका नाम लूं और किसका छोड़ू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सभी एंकर्स का हम नाम ले ले तो लगभग सभी के पूरे देश में करोड़ों हैं। तो सर, जब वो लोग, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब वो न्यूज रूम में आते हैं तो किस तरह से, क्योंकि लोग तो ये जानते हैं सीनियर सबसे होते हैं, लोगों को नहीं पता होता जो इंडस्ट्री के बाहर के हैं, कि भाई एंकर्स जाकर वहां पर जो सीनियर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उन सबको हेलो सर बोलते हैं, तो ये क्या सच्चाई है? क्योंकि ये मैंने भी फील्ड में आने के बाद जानी थी सर, मुझे लगता था जो एंकर है टीवी पर तैयार होकर बैठा है यही सबसे ऊपर वाली ऊपर का बंदा होगा। हम लोग पर्दे के पीछे हैं, वो पर्दे के आगे हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो उनकी एक अलग दुनिया होगी और हमारी एक अलग दुनिया है। ऑफिस में सब एक बराबर है, उसमें कोई अंतर ही अंतर नहीं है, एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह से रहना नहीं सर, लोगों को होता क्या है ना, हाँ होता क्या है कि जो जनता, जो दर्शक है हमारे, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ज्यादातर लोग प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक एडिटर्स, इन सबके बारे में जानते तक नहीं है, उन्हें कुछ पता है तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर और उस एंकर, ये दो पोस्ट होती है जिनके बारे में लोग, मतलब जिनसे फैसिनेट होकर इस फील्ड में आने के लिए सोच रहे थे, तो उनको ये कैसे समझाया जाए कि भाई ये जो है आज, ये पर्दे के पीछे के लोग अगर कमजोर हो जाएंगे तो जो पर्दे पर है वो कितना कमजोर लगेगा? नहीं, ये तो है, ये समस्या बहुत हम खुद झेलते हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं हमारे, कहते हैं भाई आज तक देखते रहते कभी नजर नहीं आते, यार करते क्या हो वहां पर, उनको यही मालूम है कि सब कुछ वही वही चीज है, तो उनकी अपनी भूमिका है, हमारी अपनी भूमिका है। और एक प्रोड्यूसर की तरह मैं बोलना शुरू करूंगा तो एंकर से थोड़ा विवाद भी हो सकता है, बेहतर है कि हाँ ये है, कई बार एंकर को चिढ़ होती है। मैं तो अखबार में भी मैंने काम किया है ना, तो उसमें क्या होता था कि रिपोर्टर लाया, कॉपी फेंका, अपना खबर दिया, और जो डेस्क पर बैठा हुआ है उप संपादक, सब एडिटर, वो अपना खबर, उस खबर को बनाया बढ़िया से। तो वहां एक बहुत प्रचलित कहावत थी कि सब एडिटर जो है दो ही टाइम दुखी रहता है, एक तो जब रिपोर्टर कूड़ा फेंक के चला जाता है, उस कूड़े को बीन करके वो बेचारा खबर बनाता है जी, और एक तब दुखी होता है जब बहुत अच्छी रिपोर्ट किसी ने लिख कर दे दी होती है, तो कहता है साला जो तुम ही इतना अच्छा लिख दोगे हम यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो एग्जैक्टली ये होता है, नहीं ये पीड़ा कई बार प्रोड्यूसर्स को होती भी है कि सारी मेहनत हमारी है और श्रेय तो एंकर ले जाता है, लेकिन कई बार गाली भी एंकर ही खाता है। बिल्कुल होती है, पता चला एंकर गाली खा रहा है, तो वो होता है, यानी सबके अपने काम होते हैं, सबके अपने काम निर्धारित होते हैं, लेकिन हाँ एक चीज है कि सबके काम बहुत जुड़े होते हैं सर, एक दूसरे से सब जुड़े हुए होते हैं, प्रोड्यूसर एंकर पर भी डिपेंड है, क्योंकि कितना अच्छा लिख कर दे दे, अगर एंकर ने सब खराब कर दिया तो फिर वो जाकर पूरा प्रोग्राम बेकार हो जाता है। सर आपसे जानना चाहूंगी, आप आज तक में मतलब कोई स्पेशल प्रोग्राम की जिम्मेदारी निभाते हैं, या आप मतलब बहुत सारे प्रोग्राम से सभी फेमस है, पूरा देश देखता है आज तक, तो उनमें से आप का मतलब कौन से प्रोग्राम की जिम्मेदारी आपके पास ज्यादा रहती है, कौन सा डिपार्टमेंट आप देखते हैं? नहीं देखिए, मैं तो संपादकीय में हूं ही हूं और एक सीनियर
मेंबर के तौर पर जो भी कुछ जा रहा है तो उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तो कोई चीज गलत ना जाने पाए, कुछ हिंदी में गलत हो जाए, कोई जानकारी गलत ना हो जाए, ये सब पर तो ध्यान देना ही होता है। और अभी कुछ दिन पहले तक मेरे पास एक स्पेशल रिपोर्ट नाम का शो है 8 से 9 का, सर बहुत फेमस है। तो अभी फिलहाल अभी 7:30 बजे का शो है, शंखनाथ का एक पार्ट है, तो मैं वो देख रहा हूँ। और हफ्ते में एक दिन वायरल टेस्ट जाता है, वो मैं देखता हाँ हूँ। हाँ अच्छा, तो यानी ये सब सबकी चीजें हैं। अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निर्धारित होती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक होंगे, हमारे व्यूवर्स होंगे, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत तो बहुत आज के धन्यवाद। इस एपिसोड बिल्कुल नहीं, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं एक चीज और बात कह दूं आपको, बिल्कुल कि सर, क्योंकि बिल्कुल पर्दे के पीछे रहते रहते हमारी भी आदत पड़ गई है, बिल्कुल माइक जैसे आता है तो हम भी थोड़ा सा महसूस करते हैं, मतलब होता है माइक फोबिया, वो मुझे भी है। लेकिन चलिए, अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके। सर, हमें भी बहुत कुछ आपको आपसे सीखने को मिला। मैं आपकी फेसबुक पोस्ट, मतलब मैंने उसको फेवरेट्स में ऐड कर रखा है और जैसे ही आती है मैं पूरी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना उससे बहुत कुछ समझ में आता है। मेरे जो डिक्शनरी है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, पढ़कर नए शब्द मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम अगले संडे आपसे फिर मिलेंगे, एक नया मेहमान हमारे साथ होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।